राजस्थान ललित कला अकादमी के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय सातवां रंग मल्हार कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। सावन आते ही जहां सभी अपने अपने अनुसार इंद्र भगवान से अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं, वहीं शहर के सभी चित्रकार भी अपने अंदाज और अपनी अभिव्यक्ति को अपने ही अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं। आज सभी चित्रकारों ने आर्मी की टोपी पर अलग अलग संदेश देते हुए चित्रकारी की। किसी ने टोपी पर हरियाली दिखाई तो किसी ने नाचते हुए मोर को बनाया। कार्यक्रम में युवा कलाकारों को वरिष्ठ कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। सभी कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति को अलग ही अंदाज में उकेरा। इस पूरे कार्यक्रम का नाम है रंग मल्हार, और इस नाम से ही ये स्पष्ट होता है कि हम जो है वो एक ऐसा अनुष्ठान करते हैं कि जिससे इंद्र देवता प्रसन्न हो। कलाकारों का की ओर से आह्वान है, कलाकार अपने रंगों के अपने आकारों से उस इस तरह की भावना को व्यक्त करते हैं, और हम ये आशा करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, खुशहाली हो और आनंद से सब जिए। ये मैं इससे मैसेज देना चाह रही हूँ, जैसे सेना के जो हमारे जवान हैं अपना खून बहा के हमारी जो सुरक्षा करते हैं, तो वही खून मैंने यहाँ दिखाया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। सावन का महीना चल रहा है और हमारे कलाकारों द्वारा यहाँ पे एक ये सामूहिक आयोजन है, जिसके लिए रंग मल्हार राम वर्षा ऋतु पे सभी कलाकार यहाँ पे पेंटिंग बनाते हैं, और ये एक तरह से सभी का मिलन समारोह भी हो जाता है इस बहाने, और सभी कलाकार स्टूडेंट सीनियर जूनियर सभी का एक पारिवारिक ये रंग मल्हार प्रोग्राम है।